हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट राहुल और आज के वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे द इंटरनेशनल फ्रेंडली बिटवीन जर्मनी एंड बेल्जियम। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों टीम्स के प्रोबेबल लाइनअप्स, कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। तो बने रहेगा हमारे साथ फॉर द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन ऑफ जर्मनी वर्सेस बेल्जियम। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। विजन 11 का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फास्ट बॉलिंग करनी है तो फास्ट रन अप भी जरूरी है। अब जिसने भी विजन 11 पे टीम बनाई है, असली गेयर तो वही करेंगे। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, नजर डालते हैं दोनों टीम्स के प्रीवियस रिजल्ट पे, स्टार्टिंग विद जर्मनी। अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जर्मनी अपने पिछले मैच में 2-0 से जीती थी अगेंस्ट पेरू। निकोलस फुलक्रुग ने दोनों गोल स्कोर किए थे और असिस्ट किया था राइट बैक से मारियो वुल्फ ने और लेफ्ट विंग से काय हैवर्ट्स ने। फुलक्रुग के दोनों गोल बहुत ही इंप्रेसिव थे, उनका फॉर्म भी इससे पहले काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो फुलक्रुग पे आप ध्यान रखना, ये मैच में भी आपके लिए बहुत अच्छे पिक बन जाएंगे। चलिए अब देखते हैं बेल्जियम का प्रीवियस रिजल्ट। अगर मैं बेल्जियम की बात करूं, उनका प्रीवियस मैच ही बहुत ही अच्छा था, अवे टू स्वीडन 3-0 जीते। रोमेलू लुकाकू इज बैक, उन्होंने हैट्रिक मारा था और असिस्ट दिया था लुके बाकियो ने, और बाकियो ने भी एक असिस्ट दिया था। लुकाकू जब फॉर्म पे होते हैं मस्ट हैव पिक बन जाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंस प्लेयर है करंटली फॉर्म में, और ये भी आपके फैंटेसी ऑप्शंस आज के लिए बहुत अच्छे बन जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल लाइनअप की, स्टार्टिंग विद जर्मनी। जर्मनी होम पे खेल रही है दोस्तों ये मैच में, दोनों टीम्स बहुत अच्छी है बट जर्मनी होम पे खेल रही है। वी आर गिविंग दम द एडवांटेज और हमें लगता है कि थोड़ी फेवरेट्स रहेगी, स्लाइड फेवरेट्स रहेगी ऑन पेपर। अगर मैं लाइनअप की बात करूँ, जर्मनी 4-2-2-2 फॉर्मेशन में लाइनअप करेगी, और मैं अगर फैंटेसी परस्पेक्टिव से बात करूँ तो बहुत सारे रेलिवेंट फैंटेसी ऑप्शन है आपके लिए फ्रॉम द जर्मन साइड, स्टार्टिंग विद द स्ट्राइकर फुलक्रुग। जैसे कि आपने देखा पिछले मैचों में इन्होंने 2 गोल स्कोर किया है, करंट फॉर्म स्ट्राइकर है जर्मन टीम के, कॉन्फिडेंस इनका बहुत हाई है, ये आप कंसिडर जरूर करना इन्हें। टीमो वर्नर इनके स्ट्राइक पार्टनर, हालांकि मिस फायरिंग स्ट्राइकर है, इन्हें चांसेस बहुत मिलते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते, बट जिस दिन इनका कन्वर्जन अच्छे से हो गया बहुत सारे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं टीमो वर्नर। मिडफील्ड से बात करें तो जॉश किमिच हमें बहुत पसंद है, स्टैंड आउट फैंटेसी ऑप्शन बन जाएंगे, मिडफील्ड से आपके लिए सेफ रिलायबल पिक है, हर तरह से आपको पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। इनके साथ साथ आप नाबरी और वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिएगा, नाबरी आपको बहुत बड़ा गोल थ्रेट देते हैं, ये भी फॉर्म प्लेयर है, हालांकि इनका फॉर्म अच्छा नहीं है, बट ऑन द डे नाबरी के पास एक्सप्लोसिव पोटेंशियल है, अपने फॉर्म से वो 2 गोल भी करके आपको दे सकते हैं। और फ्लोरियन वर्ड्स आफ्टर इंजरी आए हैं थोड़े हफ्तों पहले, और इनका रीसेंट फॉर्म भी इतना खास नहीं है, बट बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, यंग जर्मन प्लेयर है, इनका सीलिंग बहुत हाई है, मतलब अपने टाइम पे उतने क्रिएटिव है कि गोल्स जैसे सबसे आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं, अंडर द रेडार पिक बन जाएंगे आपके लिए फ्लोरियन वर्ड्स। अगर डिफेंस की बात करूं, मारियस वुल्फ्स आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे, राइट बैक से बहुत ही अटैकिंग है, गोल थ्रेट देते हैं आपको, असिस्ट पोटेंशियल देते हैं, इनफैक्ट पिछले मैच में भी वुल्फ ने असिस्ट दिया था। बाकी दोनों सेंटर बैक्स गिंटर एंड केरर आपको अच्छा पासिंग पोटेंशियल देंगे, सेंटर बैक से स्पेशली गिंटर बहुत सारे पासिस करते हैं हर मैच में, आप सरप्राइज नहीं होगी कि टॉप 2 पासिस में से गिंटर का एक ही होगा, कि मोस्ट पासिस इन द मैच गिंटर के होंगे। और लेफ्ट बैक डेविड रॉम भी हमें बहुत पसंद है, ये भी बहुत अटैकिंग है, इनका भी अच्छा खासा असिस्ट पोटेंशियल रहेगा, तो आप रॉम को भी कंसिडर कर सकते हो। गोलकीपर टर स्टेगन इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू, अगर आपको लगता है कि जर्मनी बहुत सारे शॉट्स कंसीड करेगी इस मैच में। चलिए अब बात करते हैं बेल्जियम की प्रोबेबल लाइनअप की। दोस्तों, अगर मैं बेल्जियम की लाइनअप की बात करूं, बेल्जियम अपने पिछले मैच में 3-0 जीत के आ रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी काफी हाई है, बेल्जियम भी बहुत अच्छी टीम है। और अगर लाइनअप की बात करूं, वी एक्सपेक्ट देम लाइनअप ना 4-1-2-3 फॉर्मेशन, इनके पास भी बहुत सारे रेलेवेंट फैंटेसी ऑप्शंस है, तो इस मैच में आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होगी, कौन से प्लेयर पिक करने चाहिए। अगर मैं स्टैंड आउट ऑप्शन की बात करूं तो अटैक से बन जाएंगे रोमेलू लुकाकू, पिछले गेम में उन्होंने हैट्रिक मारा था, जैसे कि मैंने बताया बहुत ही कॉन्फिडेंस प्लेयर है, हालांकि जर्मनी अच्छी टीम है बट लुकाकू इस मैच में भी स्कोर जरूर कर सकते हैं। मिडफील्ड से बात करूं तो स्टैंड आउट ऑप्शन आपके लिए बन जाएंगे केविन डी ब्रुइन, मैनचेस्टर सिटी के स्टार, ही डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन, असिस्ट पोटेंशियल इनका हमेशा हाई रहता है, और बेल्जियम के लिए काफी अच्छा गोल थ्रेट भी देंगे आपको इस मैच में लुकाकू। लियांड्रो ट्रोसार्ड भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेफ्ट विंग पे खेलते हैं, इनकी एक ही प्रॉब्लम है जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, बट अगर पूरा 90 मिनट्स खेलते हैं ये भी आपके लिए अच्छे पिक बन जाएंगे। लुके बाकी होगा, आपने देखा कि पिछले मैच में इन्होंने 2 असिस्ट दिया था, राइट साइड पे काफी क्रिएटिव है, काफी क्रॉसेस करते हैं जो लुकाकू को टारगेट होते हैं, तो असिस्ट पोटेंशियल लुके बाकी का भी काफी अच्छा होगा। ओनाना या लाविया जो भी स्टार्ट करता है आप डिफेंसिव पॉइंट्स के लिए कंसीडर कर सकते हो, डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल खेलेंगे, प्ले ब्रेकअप करने में बहुत काम आएंगे, तो टैकल्स और इंटरसेप्शन बहुत अच्छे दे सकते हैं।
और डिफेंस की बात करो तो कस्टानिया बन जाते हैं स्टैंड आउट पिक। लेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं प्रीमियर लीग में कस्टानिया, काफ़ी अटैकिंग राइट बैक है, बहुत आगे जाते हैं, इनके टैकलिंग इंटरसेप्शन के नंबर्स भी अच्छे और चांस रहते हैं हमेशा एक असिस्ट का कस्टानिया से, तो कस्टानिया आप ज़रूर कंसिडर करना। और गोलकीपर कस्टील्स हमारे हिसाब से बहुत अच्छे पिक बन जाएंगे इस मैच में, जर्मनी स्ट्रॉन्ग टीमें डोमिनेट कर सकती है तो कस्टील्स आपको अच्छे से पॉइंट्स देने की पोटेंशियल लगते हैं। चलिए बात करते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर जर्मनी वर्सेज बेल्जियम। दोस्तों ये मैच जर्मनी के होम पे खेला जा रहा है, दोनों टीम्स अपने पिछले मैच में एक विन से हारी है और ये मैच में भी वी आर एक्सपेक्टिंग बोथ टीम्स टू स्कोर, हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है बट जर्मनी होम पे खेल रही है तो हमारे हिसाब से स्लाइड फेवरेट्स रहेगी, वी आर गोइंग फॉर अ 2-1 जर्मनी विन। इसी चलते हुए हमने कैप्टन किया है फुलक्रुक को, पिछले जर्मनी के गेम में 2 गोल मारा था, कॉन्फिडेंस प्लेयर है, ये भी फॉर्म में है, हमें लगता है कि इस मैच में जर्मनी गोल्स मारेगी तो फुलक्रुक विल बी इन्वॉल्व। इस कॉम्बिनेशन में हमने रोमेलु लुकाकू को भी लिया है, बेल्जियम के टॉप गोल स्कोरर है, बेल्जियम के मेन गोल थ्रेट है, बेल्जियम का गोल्स अगर आने हैं तो लुकाकू के थ्रू ही आएंगे क्योंकि फोकल पॉइंट है बेल्जियम अटैक के। हमने इस कॉम्बिनेशन में वाइस कैप्टन किया है जॉश किमिच को, सेफ रिलायबल फैंटेसी ऑप्शन है आपके लिए, हर तरह से आपको पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे पासेस करते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं और छोटा सा गोल थ्रेट भी आपको देते हैं। मिडफील्ड में हमारे पास है केविन डी ब्रुइन, इनकी एक्सप्लेनेशन कोई जरूरत नहीं कि यू हमारे कॉम्बिनेशन में है, रिलायबल पिक है, गोल असिस्ट थ्रेट सब कुछ देते हैं, वर्ल्ड क्लास ऑपरेटर डी ब्रुइन। हमने नाबरी भी लिया इस कॉम्बिनेशन, हमें लगता है कि गोल थ्रेट जर्मनी से नाबरी का भी आ सकता है, अच्छे एक्सप्लोजिव ऑप्शन रहेंगे नाबरी। और लास्ट पिक इन दी अटैक्स इज फ्लोरियन वर्ड्स, ये एक पंट है जो हमने लिया कि वर्ड्स हमें बहुत पसंद है एज अ प्लेयर, बहुत ही टैलेंटेड है और इनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी आज के मैच में कि अपने एक्सप्लोसिविटी दिखाएं कि कितने टैलेंटेड प्लेयर है, गोल्स असिस्ट करके आपको दे सकते हैं। इसी कॉम्बिनेशन में अगर आपको लगता है कि बेल्जियम अच्छा करेगी, बहुत गोल स्कोर करेगी, आप लुकाकू को एक वाइस कैप्टन कंसिडर कर सकते हो, आप डी ब्रुइन को भी एक वाइस कैप्टन ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, वी आर ओके विद दैट। अगर मैं डिफेंस की बात करूँ, वी हैव द 3-man कवरेज ऑफ द जर्मन डिफेंस, गिंटर, रॉम और केरर। रॉम सबसे स्टैंड आउट पिक रहेंगे इस कॉम्बिनेशन में क्योंकि रॉम खेलेंगे लेफ्ट बैक पे, इनका असिस्ट पोटेंशियल बहुत आया रहेगा, इनफैक्ट एज ऑफ द बॉक्स से काफी शॉट भी लेते हैं डेविड रॉम, तो गोल थ्रेट भी देते हैं इसके साथ साथ असिस्ट पोटेंशियल और चांसेस क्रिएटेड के भी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। गिंटर और कैरर दोनों आपको पासिंग में बहुत अच्छे नंबर्स देंगे और सेफ ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए। लास्ट पिक इन द डिफेंस इस कस्टानिया, राइट बैक खेलते हैं बेल्जियम के लिए, जैसे कि मैंने बताया बहुत ही अटैकिंग राइट बैक है और अगर ज़्यादा अटैक नहीं करते तो भी इनके टैकलिंग और इंटरसेप्शन के नंबर्स इतने अच्छे कि आपके लिए सेफ पिक बन जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन में हमने गोलकीपर लिया कैस्टील्स, बेल्जियम के गोलकीपर। हमें लगता है कि जर्मनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अटैकिंग साइड है, होम पे खेलेगी तो ज़्यादा शॉट्स लेगी और कैस्टील्स आपको ज़्यादा सेव करके दे सकते हैं। दोस्तों इस मैच प्रीव्यू में बस इतना ही था, ऐसे ही और मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी कॉम्बिनेशन के लिए जुड़िए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चीयर्स गाइस।